गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटा ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4, 6.3 तक मैंने इसमें करा दिया है। इसमें क्या है, राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे किया गया है, 16 को 8, 16 में से 8 सेपरेट किया गया है, तो 8 आया, फिर दोबारा सेपरेट किया गया तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार 8 सेपरेट किया गया है, 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 लिखा, तो 8 को 8, 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 16, 2 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे भी 16 में, सॉरी 18 में आपका सेपरेट किया गया 6 वन टाइम्स, 12 आया, 12 में से फिर अगेन 6 सेपरेट किया गया तो 6 आया, 6 में फिर सेपरेट किया गया 6, 0 आ गया। तो 3 बार 6 सेपरेट करने पे आपका 3 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, तो 18 को अगर 6 से डिवाइड करो 6 3 18, 3 आएगा आंसर आपका। सिमिलरली इसमें 40 को 10 से डिवाइड करना था, तो हमने 40 में 10 कितने बार सेपरेट किया कि 0 आ जाए, तो 4 बार सेपरेट किया, इसका आंसर 0 आ गया। तो इसको नाम दिया गया है रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन मेथड ऑफ डिवीजन, मतलब डिवीजन का डिवीजन हम करते हैं सब्ट्रैक्ट कर करके। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। मैं अभी ये क्वेश्चन मैंने कॉपी पे आपके लिए किए हैं, जैसे 40 को 10 से डिवाइड करना था, तो 10 में हम 10 सेपरेट करें, 40 में 10 सेपरेट करेंगे 30 आया, एक बार किया, फिर अगेन 30 में से 10 सेपरेट करेंगे 2 बार, फिर 20 आया, फिर 20 में से फिर 10 सेपरेट करेंगे 10 आएगा, 10 में से 10 सेपरेट करेंगे 0। तो हमने ये 10 40 में कितने टाइम सेपरेट किया, तो 1 2 3 4 टाइम, तो 4 आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए कॉपी में किया है। देखिए ये है 27 डिवाइडेड 3 था, तो 27 लिखा, 9 सेपरेट किया 18 आया, 18 में फिर 9 सेपरेट करेंगे 9 आएगा, 9 में 9 सेपरेट करेंगे 0, जब तक 0 यहाँ नहीं आएगा तब तक सेपरेट करते जाएंगे, हर बार वही नंबर सेपरेट करनी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपने देखिए एक बार सेपरेट किया, 2 बार सेपरेट किया, 3 बार सेपरेट किया, 0 आ गया, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब 9 से 27 को डिवाइड करोगे तो 9 3 जा 27, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक, ऐसे 24 का देख लीजिए, 24 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 4 24, 4 आएगा, तो 4 आंसर आना चाहिए। तो 24 में 6 सेपरेट किया 18, 18 में 6 सेपरेट किया 12, 12 में 6 सेपरेट किया 6, 6 में 6 सेपरेट करेंगे 0, कितने टाइम्स किया, 1 2 3 4, तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 35 डिवाइडेड बाई 7, 35 में से 7 सेपरेट करेंगे 28, 28 में से 7 सेपरेट करेंगे 21, 21 में से 7 सेपरेट करेंगे 14, 14 में से 7 सेपरेट करेंगे 7, 7 में से 7 सेपरेट करेंगे 0। ये प्रोसेस हमने कितने टाइम्स किया, सबका नंबर मैंने लिख लिया है, इसे आप भी लिखेंगे, इसे 5 टाइम्स, इसका आंसर 5 आएगा। तो 35 को डिवाइड करोगे 7 से तो 5 आएगा। अब देखिए ये 48 का आपके लिए मैंने किया है, 6 सेपरेट करेंगे 42, फिर 42 में 6 सेपरेट करेंगे 36, 36 में 6 सेपरेट 36 सेपरेट करेंगे अगेन 24, फिर 18, यहाँ पे 12, 6, और 6 में से 6 सेपरेट करेंगे 0। तो ये प्रोसेस आपने कितनी बार टाइम बार किया, 8 बार किया। तो ये क्वेश्चंस सब्ट्रैक्शन डिवीजन मेथड ज़्यादा इसलिए पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत बड़ी नंबर से आप करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा डिवीजन करना, मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो छोटे नंबर के लिए तो सही है, बड़े नंबर के लिए सही नहीं था, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि एक सब्ट्रैक्शन मेथड भी है डिवीजन का। ठीक है, अगला इसी के आगे सी पार्ट वाला देख लीजिए, बुक में ही है, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड। तो हमने वैसे ही सब्ट्रैक्शन किया है, 64 8 8 64, तो 64 में 8 सेपरेट किया 1 टाइम 56, सेकेंड टाइम सेपरेट करेंगे 48, थर्ड टाइम करेंगे 40, फोर्थ टाइम करेंगे 32, फोर्थ फिफ्थ टाइम करेंगे 24, और सिक्स टाइम करेंगे 16, फिर अगेन करेंगे 8 8, ये हमने प्रोसेस कितने किया, कितने बार, 8 टाइम्स किया। ठीक, यहाँ देखिए 24 वाला ये मेरे ख्याल से रिपीटेड है, पीछे हो चुका है, 35 वाला भी का रिपीट हो गया है। ठीक है, ये हो गया 4 बार, देखिए 18 को 9 से करना है, 9 2 18, 1 टाइम्स, 0 आपका 9 में से 9 सेपरेट किया 2 टाइम्स आ गया, 36 डिवाइडेड बाई 12, पहली बार सेपरेट करेंगे 24, सेकेंड टाइम्स 12, फिर 12 में से 12 सेपरेट करेंगे 0, 12 3 जा 36, 3 आ गया, 12 3 जा 36, सेम वही हो गया है क्या, ये देखिए 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला देखें,
डी आंसर द फॉलोइंग. हाउ मेनी टाइम्स थ्री आर देयर इन 18, मतलब 18 में थ्री टाइम कितने, थ्री टाइम्स में 18 आएगा. तो ये हम करके देखेंगे, 18 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आएगा, 3 6 18, तो 6 टाइम्स आएगा. तो 18 को डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे. हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द 8 आर इन देयर इन 72, तो 8 9 72 होता है. 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72. वैसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड वाला. हाउ मेनी टाइम्स 7 आर इन देयर 42, तो 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 जा 42. हाउ मेनी टाइम्स कैन 6 ने सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30, 30 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 35 आ गया, है ना. हाउ मेनी टाइम्स कैन 9 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 36, कितनी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 फोर सा 4 टाइम्स, 9 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना. तो ये बेटा आपका एक्सरसाइज हो गई, ये कंप्लीट हो गई, है ना. 6.5 भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, 6.4 कंप्लीट करा दिया. आगे देखिए 6.5 एक्सरसाइज में, यहाँ से देखें 6.4 आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई, ठीक. राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. यहाँ देखिए 12 × 7 इज इक्वल टू 84, ये आपके पहला करके दिखाया गया है. 84 डिवाइडेड 7 इज इक्वल टू 12, 7 जा 84 होता है, 7 आएगा. 84 डिवाइड करेंगे 7 से तो 12 आ जाएगा. अल्टरनेट इधर उधर चेंज कर लिया, ये आपके लिए पहले से करके दिखाया गया. फिर उसी मेथड से इसको करना है, 6 × 13 इसको 78, तो 78 डिवाइडेड 6 इसको 13 होगा. 78 को 13 से डिवाइड करोगे तो 6 आंसर आएगा. सेम आगे देख लीजिए, सिमिलर वही प्रोसेस किया गया है. 8 × 15 इसको 120 था, तो 120 डिवाइडेड 15 8 हो गया. फिर 120 को 8 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, है ना. ये आपका 9 × 17 153, तो 153 डिवाइडेड 17 9, 153 डिवाइडेड 9 17. राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट. अब देखिए यहाँ पे पहला करके दिखाया गया है, डिवीजन वाला देखा था, मल्टीप्लीकेशन का करना है. तो 12 × 3 = 36 इसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा. 48 डिवाइडेड 8 था, तो 6 8 = 48 होगा, तो 8 6 = 48 यहाँ लिखेंगे. अगर देखिए 75 डिवाइडेड 15 इसको 5 था, तो 15 × 5 इसको 75, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ये लिखेंगे. अगला नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज 6.6 है, देख लीजिए इसको भी. डिवाइड द यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल. अब टेबल हमने कहा था, लर्न कर लीजिएगा, 5 का टेबल रीड करना है कि 30 से मोर ना हो. तो 5 का टेबल 30 से मोर ना हो, कितने 5 6 30, है ना. यहाँ पे 7 का टेबल करेंगे, 7 7 = 49, 15 9 = 135, 9 7 7 9 = 63, या 9 7 = 63, 8 9 = 72, 13 9 = 117, 12 8 = 96, 17 9 = 153, 18 8 = 144. आगे देखिए ये आपका डिविडेंड डिविजर और क्वेश्चन लिखा हुआ है. तो यहाँ पे 48 था, ब्लैंक था, यहाँ पे 6 था, तो 6 8 = 48, 9 5 = 45, 9 3 = 27, 7 8 = 56, 7 7 = 49, 9 9 = 81. सेम ऐसे यहाँ भी किया है, 12 6 = 72. अब यहाँ पे इस तरफ का आंसर पहले दे रखा, तो 6 5 = 30, 14 7 = 90. सिमिलर आपका ये किया गया. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लास्ट है इसका, कंपेयर एंड पुट. ये आपका होता है ग्रेटर देन, ये लेस देन और इक्वल इन द फॉलोइंग. तो 4 2 8 हो जाएगा इधर, 8 9 = 72, 9 आएगा यहाँ पे, यहाँ 8 आएगा. बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये हमने आपको बताया है कि जिधर मुंह खुला होता है उधर नंबर बड़ी होती है, ये नंबर बड़ी थी इसलिए इसलिए तरह मुँह खुला गया. 2 को 1 से डिवाइड करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आंसर आएगा, इसलिए इक्वल का साइन हो गया. 8 = 64, इधर 8 आएगा, उधर 0 होगा, तो ये 0 नंबर बड़ा हो गया.
यहाँ पे देखिए 3 को 1 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, इक्वल होगा इसके इक्वल का साइन। 9 9 81, 9 9 81 मतलब यहाँ 9 आएगा यहाँ 81 आएगा, इसलिए 81 ग्रेटर होगा। और 7 1 7, 7 7 14 है तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आगे देखिए अगली एक्सरसाइज 4 6.7 लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन मैंने बुक में है और तीन क्वेश्चन मैंने कॉपी में करेंगे, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने बुक में किया है, सोनू काउंटेड 18 बीस एंड 6 हाइव्स, देयर वर एन इक्वल नंबर ऑफ बीस इन ईच हाइव, हाउ मेनी बीस वर देयर इन ईच हाइव। नंबर ऑफ बीस 18, नंबर ऑफ हाइव 6, बीस ऑफ ईच हाइव 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 3 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 3 बीस वर इन द हाइव्स। राजेश हैज 24 काइट्स, ही वांट टू गिव देम इक्वली टू 6 चिल्ड्रन, हाउ मेनी काइट्स विल ईच चिल्ड्रन गेट। तो नंबर ऑफ काइट्स 34, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6, नंबर ऑफ काइट्स ईच चिल्ड्रन गेट 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 24 4 आ जाएगा, तो ईच चाइल्ड विल गेट 4 काइट्स। ठीक है, तीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए कॉपी में करे हैं, देख लीजिए। ये आपका 6.7 के 3 क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन आप उसी से देख लीजिएगा, यहाँ आप मैं सोल्यूशन करके लाया हूँ, देख लीजिए। तो नंबर ऑफ चेयर 72, नंबर ऑफ रोज 9 है, तो नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, तो 72 डिवाइडेड 9, 9 8 72, ठीक 8 आ जाएगा। अब इसे एक हैज 80 रुपीज, नंबर ऑफ फ्रेंड्स 10, ईच फ्रेंड्स गेट रुपीज, तो 80 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो 8 रुपीज, हर बच्चे को 8 रुपये मिलेंगे। आगे देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट 36, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीटेड इन ईच टेबल 4, नंबर ऑफ द टेबल 36 डिवाइडेड 4, 4 9 36। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू।